अभिनव राजस्थान पार्टी। जी हाँ, राजस्थान की अपनी पार्टी। जय शर्मानाथ की मेरे प्रवासी भाइयों, मैं प्रभु सिंह अभिनव राजस्थान पार्टी श्री से बोल रहा हूँ। आपको पता होगा कि राजस्थान के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए आपसे बहुत से अन्य पार्टियों के नेता मिलने आए होंगे और आप बड़े बड़े वादे करके गए होंगे। एक विचार करना कि देश की आज़ादी के बाद में आपको किए गए वादे कितने पूरे हुए। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है वो बहुत ही दुखद है। इतना सिस्टम क्रैक हो चुका है कि उसे सुधारने की अब कोई गुंजाइश नहीं। अभिनव राजस्थान पार्टी एक पार्टी ने जो कि एक अभियान है व्यवस्था परिवर्तन का। हम चाहते हैं कि अभी राजतंत्र के लिए तो राजनीति ठीक थी, अब यदि राजतंत्र चला गया है तो राजनीति भी जानी चाहिए। यदि लोकतंत्र है तो लोकनीति आनी चाहिए। यदि सरकार बनाने का हक यदि जनता को मिला है तो बजट खर्च करने का और नीतियां बनाने का हक भी जनता को मिले। हमारी इच्छा है कि पूरे राजस्थान के बजट को जिले वाइज डिवाइड कर दिया जाए और जिले के लोगों को दे दिया जाए और जिले में गांव वाले गांव की नीतियां बनाएं और बजट खर्च करें और सिटी वाले सिटी की नीतियां बनाएं और बजट खर्च करें। अब रही बात प्रवासियों की, तो अपने काम धंधे के लिए और रोजी रोटी के लिए बहुत से प्रवासी दक्षिण भारत की ओर और अन्य राज्यों में गए। हम चाहते हैं कि फिर से एक बार सूर्य आए। हम आपके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस खड़ा होगा, फिर से एक बार राजस्थान जो समृद्ध था वो फिर से हो। इसके लिए हम 10,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट रखा है। यदि कोई युवा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है तो 1 करोड़ रुपए उसे दिए जाएंगे। बैंक भी देगी और सरकार देगी और जो भी उत्पादन होगा उसकी सरकार मार्केटिंग करेगी और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराएगी। आपको पता होगा कि देश की आज़ादी के बाद में सिरोही जिले को जो बजट मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। अन्य पार्टी के नेता आपके जेब से पैसे निकालने के लिए आते हैं, हम आपके पास आपके जेब से पैसे निकालने के लिए नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी हो। अभी वर्तमान में जो राजस्थान को बीमारू राज्य बना दिया है, हम चाहते हैं कि राजस्थान पहले जैसे फिर से समृद्ध हो। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आ गई।